Let us retake. So, dear children, let us have principle of conservation of momentum, beta, of momentum. ये जो बेटे प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पार्ट बेटा, ये हमें कहता है कि अगर हम अपने सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे सिस्टम का बेटे मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. लेट मी राइट, आपने पहले लिखा भी होगा, मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ सो देट कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है बेटा, इट स्टेट्स दैट the momentum of a system, momentum of a system remains conserved if no external force is acting on it. या आपने isolated system के बारे में भी लिखा होगा statement. आपने ऐसे भी लिखा हो सकता है कि for an isolated system the momentum of the system remains conserved. Momentum of the system remains conserved. अब आइए बेटे इन चीजों को जरा ध्यान से समझें. What do we actually mean by this statement? और हम ये momentum conservation को prove कैसे कर सकते हैं? What is the possible proof of this momentum conservation बेटा? आइए देखें बेटे प्रूफ हमारा क्या है यहाँ पे. इन दिस रिगार्ड प्रूफ बेटा, प्रूफ में बेटे हम दो ऑब्जेक्ट्स इमेजिन कर लेते हैं, दो बॉल्स इमेजिन कर लेते हैं. लेट अस इमेजिन कि ये आपका ऑब्जेक्ट बेटा ए ऑब्जेक्ट है, मास इसका एम वन है और ये इसकी जो स्पीड है लेट इट बी बेटा मूविंग विद ए स्पीड यू वन, इनिशियल स्पीड. एक और ऑब्जेक्ट है हमारा बेटा बी ऑब्जेक्ट है, बी बॉल है, मास इसका एम टू है, इट इज मूविंग विद स्पीड यू टू. बेटा जरा ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, अगर यहां पे मैं इमेजिन कर लू यू वन जो है इट इज मोर देन यू टू है, अगर इसका मतलब है ये ज्यादा फास्ट चल रहा है ये स्लो चल रहा है, तो दे विल बी ऑब्वियसली बेटे कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर. और जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो दिस विल बी द कोलिजन, दोनों कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे फॉर ए मोमेंट. इसके बाद आपके जो दोनों बॉल्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, ये सेपरेट आउट होकर फार्दर मूव कर जाएंगे. ए ऑब्जेक्ट आपका जिसका मास एम वन था, इसने आफ्टर द कोलिजन बी वन वेलोसिटी से बेटा मूव करना स्टार्ट कर दिया. और पुत्र जो आपका बी ऑब्जेक्ट था जिसका मास एम टू था, इसने बी टू वेलोसिटी से आफ्टर द कोलिजन मूव करना स्टार्ट कर दिया. तो आप अच्छे से एक बार देखो फिर से बेटा, आपके ऑब्जेक्ट्स बेटा कुछ इस तरीके से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद आपका ये सेटअप बन रहा है. अब बेटे थोड़ा सा मेरी तरफ देखिएगा सारे बच्चे फॉर ए सेकेंड. मान लीजिए मेरे पास एक बॉल, ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, ये जब कोलाइड करेंगे ऐसे, ये वाला बॉल इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, ये वाला बॉल इस पर इधर को फोर्स लगाएगा, दिस वे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे कोलाइड करते टाइम. वन विल बी एक्शन, द अदर विल बी बेटे रिएक्शन.
फिर से ध्यान दीजिएगा, आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ दीज टू पीसेज ऑफ चॉक। ये जा दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहे हैं, लेकिन जब कॉन्टेक्ट में आएंगे, कोलाइड करेंगे, तो जो ज्यादा तेजी से जा रहा है वो इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा और एज ए रिएक्शन ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। इस चीज को अगर मैं इंडिकेट करूं बेटे, यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, आपका जो ए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पर इस तरफ फोर्स लगा दिया। दिस इज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये आपका बी ऑब्जेक्ट था बेटा, बी ऑब्जेक्ट को ए ऑब्जेक्ट ने धक्का मार दिया, जैसे आप कह देते हो, और बदले में क्या हुआ, बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पर एक रिएक्शन की फोर्स अप्लाई कर देता है। दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू पुत्र बी। जरा मुझे बताइएगा यहां तक क्लियर है? आई कैन सी रोल नंबर 32 नाइन्थ बी क्लास ऑन द स्क्रीन। ओके बेटे, ये किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, दिया, एक मिनट बेटे, यू आर अनम्यूटेड दिया पुत्र। सर यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लग रहा है कि एवरी एक्शन हैज एन। बिल्कुल 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 बेटे बिल्कुल, मैं करता हूँ। ओके सर। हाँ जी दिव्या बेटा, नाइन्थ बी क्लास बेटे मैं रिप कर रहा हूँ, आप जरा देखिएगा इस पॉइंट पे जरा। हाँ जी रोल नंबर 11 वेलकम, आप कहाँ रह गए थे? रोल नंबर 11 सर प्लीज, सर जो आपने कोलिजन की बात की वो एक बार आप फिर से समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हैं भाई, क्यों नहीं समझा सकते, समझिए, आप समझने वाले बनिए, कितनी बार मर्जी समझिए बेटा, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखें एक बार फिर से, ये बेटे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट जरा फास्ट जा रहा है, दूसरा स्लो है, ये कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ए ऑब्जेक्ट ने बी पर फोर्स लगा दिया, इसको हमने बोला फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, राइट, और बी ने ए पे फोर्स लगा दिया, इसको आपने बोला फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। रोल नंबर 11 पुत्र, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, इसमें बेटे देखो, आप जानते हैं एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, आपने थर्ड लॉ में ये बेटे डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो अगर आपका ये बेटे एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एक्शन है, देन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी आपका रिएक्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आई कैन सी दिया नाइन्थ बी क्लास ऑन द स्क्रीन, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दिया। दिया पुत्र बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? So that force is directly proportionate to rate of change of momentum. Very nice, thumbs up for you बेटे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है ये देखो, force on B due to A है, इसको मैं इसको बेटे मैं लिख देता हूँ, force on B due to A को change in the momentum of object B divided by time taken, तो ये rate of change of momentum of the object B हुआ। दिया आप म्यूट हो गए हो फिर से? यस सर, एक बार रिपीट कर दो। ये फोर्स ऑन बी था ना ड्यू टू ए, हमने लिखा फोर्स को चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपने आप हो गया बी का बेटा। यस सर। ऐसे ही हम लिखेंगे इस तरफ, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, राइट, समझ आ गया? यस सर। बेटा बच्चे जो लेट आ रहे हैं फिर उनको क्या समझ आएगा, अभी भी लेट आई जा रहे हो बेटी, इतना लेट मत आया करो, ये टी आपका कट गया। अब देखो बेटे, बी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया, आप में से रोल, मैं किसी को, हाँ जी रोल नंबर, एक मिनट वेट करिएगा,
रमी कौर, 32 रोल नंबर 9th B क्लास, आपको अनम्यूट किया है। रमी कौर 32 रोल नंबर 9th B क्लास। यस सर। बेटे बी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया, डायग्राम देख के मुझे बताइए। बी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, फाइनल मोमेंटम कितना है बी ऑब्जेक्ट का, इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा बताइए देख के डायग्राम। मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बी फाइनल, सर आई डोंट नो। ओके। रोल नंबर 32 9th B क्लास रमनीक, बी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है फाइनल। सॉरी सर, रमनीक वी वन मास इनटू एक्सेलरेशन ओवर टाइम टेकन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। यस 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 समथिंग लाइक दैट, जरा देखिएगा ध्यान दीजिएगा। लेट मी राइट वन पार्ट। बी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम आपको यहां से मिलेगा, इट विल बी मास इनटू वेलोसिटी बी ऑब्जेक्ट की, और इनिशियल मोमेंटम कितना होगा यहां से देखिए, दिस इज माइनस एम टू यू टू, ये आपके इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, जरा चेक करके बताइए। यस सर। यस, इज इट मैनेजेबल बेटा, ओके। दिस इज इक्वल टू देन नेगेटिव ऑफ एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे फोर्स लग रही है तो मोमेंटम भी तो ए का ही चेंज होगा, ए का मोमेंटम फाइनल कितना है एम वन वी वन, इनिशियल कितना था एम वन यू वन, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड फॉर दिस बोथ। नेगेटिव साइन को अंदर ले जाइए ब्रैकेट के, इधर से ब्रैकेट को हटा दीजिए, एम टू वी टू एम टू यू टू, दिस इज माइनस एम वन वी वन एम वन यू वन, ये यू वन वाली टर्म को इधर ले जाओ, नेगेटिव ये वाली टर्म को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगी। आइए देखें व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, वी विल बी हैविंग एम टू वी टू प्लस, इसको इधर ले आए एम वन वी वन, इसको जब आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एम टू यू टू हो जाएगा, आपके बी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, आपके ए ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, दिस इज टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दोनों बराबर हो गए, और इट कैन आल्सो बी रिटन दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पी दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बेटा जरा चेक करिए और बताइए मुझे, इज इट ऑल क्लियर टू ऑल बेटा डियर चिल्ड्रन। सर फाइनल और इनिशियल मोमेंटम इक्वल हो गए तो फिर कांस्टेंट कैसे प्रूव हुआ वो? देखो बेटा जितना मोमेंटम अब है 15 मिनट के बाद भी उतना ही है, 20 मिनट के बाद भी उतना ही, इसका मतलब है कांस्टेंट ही हुआ, बदला तो नहीं यस ना, सर। है ना बेटा? सो दैट इज यस व्हाट सर। डू वी मीन बाय दैट द टर्म मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बेटा, राइट। रोल नंबर 11 कहिए बताइए। सर अगर मोमेंटम चेंज होता है तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा फिर थोड़ी कॉन्स्टेंट होगा अगर आपका ये, सर? एक मिनट एक मिनट, इधर ध्यान दीजिएगा स्क्रीन की तरफ, अगर ये बीच में इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो अपने आप ये बराबर नहीं हुए, अगर ये बराबर नहीं है तो आप कॉन्स्टेंट कह ही नहीं सकते बेटा, क्या कहते ओके हो? सर। सर लेकिन अगर मोमेंटम की जो फैक्टर्स हैं अगर वो 15 मिनट बाद चेंज हो जाए तो सर उससे तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। नहीं, आप देखो बेटे, आपने एक्सपेरिमेंट ही 15 मिनट किया है, आपने 16 मिनट तक गए ही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना टाइम आप उस कोलिजन को स्टडी कर रहे हो, उतने टाइम में अगर आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, दैट विल मीन दैट कि आपका मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। तो लेकिन जितना आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद टाइम लोगे तो उसके बाद तो वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज हो ही जाएगा। हम ये यहाँ पे बेटे कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता तो
ओनली देन वी कैन से दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। और डियर चिल्ड्रन यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे ये इक्वालिटी का साइन आपका नहीं आएगा तो हम नहीं कहेंगे ये बात, हमें क्या जरूरत पड़ी कहने की, हम कुछ और कह देंगे अकॉर्डिंगली, राइट? ओके सर, चलें आगे। यस सर, इसके बाद बेटे हमारे पास एक बड़ी इसकी मेजर एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और वो एप्लीकेशन आपको है रिकॉइल ऑफ द गन की फॉर्म में है। आइए देखें डिस्कस करके, व्हाट डू वी मीन बाय रिकॉइल ऑफ द गन। ये बेटे आपका डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें बेटे क्या हम डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सारे बच्चे, जरा उत्तर। रिकॉइल का मतलब होता है कि गन आप यूज करते हो, यूज करते हैं तो गन बेटे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक किक करता है, दैट किक बैक ऑफ द गन इज कॉल्ड बेटे रिकॉइल ऑफ द गन। सो वी कैन से दैट बेटा व्हेन ए शॉट इज फायर्ड फ्रॉम, बेटे किसी का माइक ओपन है प्लीज जरा बंद कर लीजिएगा, डिस्टर्बेंस आ रही है, फिर बाद में कर लेते हैं। व्हेन ए शॉट इज फायर्ड फ्रॉम द गन किक्स बैक, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन। बेटे जो लोग बेटे आपके आर्म फोर्सेस के साथ रिलेटेड हैं, पुलिस फोर्सेस में जो लोग हैं, उनको आपने देखा होगा ट्रेनिंग दी जाती है, साल साल की, दो दो साल की ट्रेनिंग दी जाती है गन्स को ऑपरेट करने की। वो यही उनको सिखाते हैं वहां पे कि गन्स को ऑपरेट कैसे करना है, बिकॉज अगर हम लाइटली पकड़कर गन को ऑपरेट करेंगे, फायर कर देंगे, तो गन का इतना ज्यादा किक बैक होता है कि हमारा अपना हाथ जो है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। आइए आपको मैं सारा ये शो करूं मैथमेटिकली। ये बेटे इमेजिन कर लो कि एक गन है और आप ये गन को अगर फायर करते हैं, लेट अस सी बेटे व्हाट हैपेंस। ये इमेजिन कर लीजिए एक गन है और हम बेटे ये गन को, जब लेट इट बी द गन, इसका मास कैपिटल एम है और इसका वेलोसिटी कैपिटल वी जो कि अभी जीरो है, रेस्ट पे है गन आपका। गन के अंदर आपने एक छोटा सा बुलेट भी फिल करके रखा होगा, इसका मास स्मॉल एम कह दो, इसके अंदर एक बुलेट तो पड़ेगा ना बेटे, तभी हम इसको फायर को शॉट कर पाएंगे। अब आपने ट्रिगर को क्लिक किया, आपका जो ये छोटा सा बुलेट था इसने स्टार्ट कर दिया मूव करना आउट ऑफ द गन, ये स्मॉल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास इसका स्मॉल एम था। जब आप इसको ट्रिगर को दबाते हो, आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, इसमें सिंपल एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, ऐसे आप स्प्रिंग को ऊपर कर देते हो और वो गन ऑपरेट हो जाती है। इट विल मीन दैट बेटा कि अगर आप इनिशियल मोमेंटम की बात करो, सिस्टम का जो आपका इनिशियल मोमेंटम है, आपका गन बिगनिंग में रेस्ट पे था, गन का मोमेंटम जीरो, गन के अंदर बुलेट भी रेस्ट पे था, इसका मोमेंटम भी जीरो। अच्छा जीरो क्यों, जरा देख लीजिए, इनिशियल मोमेंटम को मैं पी आई लिख देता हूं, मास ऑफ द गन इनटू इट्स वेलोसिटी, मास ऑफ द बुलेट इनटू इट्स वेलोसिटी। तो ये डियर चिल्ड्रन जीरो आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम, जरा चेक करिएगा और बताइएगा इज इट जीरो, इज इट ऑल जस्टिफाइड, वेरी नाइस। अब बेटे जब आपने गन को फायर किया, फायर करने के बाद
आपका मोमेंटम यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कहलाएगा पी फाइनल। जरा डायग्राम की तरफ देखना, ये आपके बुलेट का मोमेंटम है और आपके गन का मोमेंटम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा। सो वी विल से दैट मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये फाइनल मोमेंटम हुआ बेटा। आपके पास इनिशियल मोमेंटम भी है, फाइनल मोमेंटम भी आपके पास है। अब आपने कोई खुद तो उसको बुलेट को धक्का थोड़ी दिया, आपने चल भी चल जा ऐसे थोड़ी दिया है, आपने तो सिर्फ उसको ट्रिगर को दबाया है, स्प्रिंग सिस्टम को एलिमिनेट किया है, रिमूव किया है, बिकॉज आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। आपका जो सिस्टम बन जाता है यहाँ पर, इसका इनिशियल मोमेंटम फिर फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जाना चाहिए। मानते हो बात के नहीं पुत्र, सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हो? आ जाना चाहिए, राइट। तो फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो था, फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, दिया, दिव्या, सॉरी दिया नॉट दिव्या, हाँ जी दिया बोलो बेटा। सर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ट्रिगर को पुल करने में एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो थी। ना ना, एक बार फिर सुनिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप जब गन को लोड करते हो ना, उसके अंदर एक बहुत हैवी स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर देते हैं, ऐसे कंप्रेस करके वो जो ट्रिगर है उसको ऐसे पकड़ लेता है, स्प्रिंग को खुलने नहीं देता। जब आप ट्रिगर दबाते हो, आप स्प्रिंग ट्रिगर दबाने से क्या होता है, आपका ये जो कांटेक्ट है ये ऊपर उठ जाता है, स्प्रिंग खुल जाता है। आपने धक्का नहीं दिया बुलेट को, समझ आई बात पुत्र? दिया सर हमने बस रिलीज किया है, कोई ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, राइट बेटे? समझ आ गई ना आपको अब? ठीक है, यस सर। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तो बेटे फिर मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहेगा ही रहेगा, अभी यही लॉ हमने पढ़ा है। अगर ये आपका कंजर्व रहा मोमेंटम, तो डियर चिल्ड्रन हम ऐसे लिख सकते हैं, एम इंटू वी प्लस एम इंटू वी इक्वल टू जीरो। बताइए ऐसे लिख दूं कि ना लिख दूं? बोलो पुत्र। ओके, तो बेटे देखो, बड़े वाला वेलोसिटी गन का मेरे पास फिर कितना हुआ, आइए कैलकुलेट करके देखें। दिस इज माइनस एम बी, इसको आप उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, और बड़े वाला वेलोसिटी कितना बन गया, माइनस एम इंटू वी डिवाइडेड बाई बड़े वाला एम। बहुत ही ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, अब बड़े वाली वेलोसिटी यानी गन की वेलोसिटी, ये छोटी वेलोसिटी यानी बुलेट की वेलोसिटी को ये नेगेटिव साइन कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये इधर जा रहा है तो गन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ द गन बेटा। फिर से पुत्र ध्यान दो, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है कि वेलोसिटी गन की जो है ये बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये बुलेट तो अब हम अपनी तरफ थोड़ी बुलेट फायर करेंगे, वो तो दूसरी तरफ ही करेंगे ना। जब बुलेट फायर करोगे तो गन हमारी तरफ किक करेगी, दैट इज व्हाई वी कॉल रिकॉइल और किकिंग बैक ऑफ द गन बेटे। और याद रखिएगा मेरी बात, ये जो एक मिनट बेटे, 11 रोल नंबर, 1 मिनट, जब आप बेटे फायर करते हो तो इतना ज्यादा रिकॉइल फोर्स लगता है कि अगर आप उसको बहुत टाइटली होल्ड नहीं करोगे आपका हैंड फ्रैक्चर हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा आर्म्ड फोर्सेस में, मिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, सोल्जर्स को वो जो उनका गन देते हैं तो एक एंड उसका वो अपने शोल्डर के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, ऐसे करके वो फायर करते हैं। उसका रीजन ये है कि जब वो गन को टाइटली विद देयर बॉडी होल्ड करेंगे, उनकी बॉडी और गन एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आ गए, ये जो डिनोमिनेटर में आप एम देख रहे हो, इस मास ऑफ द गन में उनकी बॉडी का अपना मास ऐड हो गया, क्योंकि दोनों चीजें कांटेक्ट में हैं।
आपका गन और आपकी बॉडी, तो ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा जब, तो आपका ये वेलोसिटी बड़ा छोटा हो जाएगा। अगर छोटा हो जाएगा तो किक बैक कम होगा, अगर किक बैक कम होगा तो जो पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है उसको इंजरीज नहीं होगी, नहीं तो वो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि फटाफट गोलियां चलाई जा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होता बेटा। अगर ऐसे चलाएंगे तो उनके हाथ अपने फ्रैक्चर हो जाएंगे, तो दैट इज रॉन्गली सीन। जब भी बुलेट्स को फायर करते हैं, ऑल द पर्संस आर वेरी मच ट्रेन्ड टू होल्ड द गन्स वेरी टाइटली विद देयर हैंड्स। अगर स्मॉल साइज का गन है, अगर बड़ा गन है तो उसको अपने शोल्डर्स के साथ टाइट करते हैं, और अगर वो कैनन टाइप गन है, बहुत बड़े बड़े जैसे बोफोर्स वगैरह होते हैं उनकी आपने देखा होगा बेटे, आपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाते हैं टीवी पे वॉर मेमोरियल की, वो उसके टायर खोल के रख देते हैं साइड पे। अगर टायर नहीं खोल के रखें तो वो आपका जो कैनन है या जो जो भी बहुत बड़े साइज का गन है वो पीछे को आप अपने आप ही मूव कर जाएगा और वो उन लोगों को इंजर कर सकता है। 11 रोल नंबर, उत्तर बोलो। सर आई वॉन्ट टू आस्क दैट जब हम गन को फायर करते हैं तो गन आगे जाती है तो जो गन का जो पीछे का रिकॉइल फोर्स होता है वही बुलेट को रिकॉइल करता है। मैं रिपीट करता हूँ बेटे, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने गन से बुलेट को फायर कर दिया, बुलेट आपका आगे चला गया, गन आपका पीछे आ जाएगा, वो जो पीछे आ रहा है गन वो आपकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। अगर आप गन को टाइटली होल्ड नहीं करोगे तो इंजरीज फेस करनी पड़ सकती हैं। दिस इज व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म रिकॉइल ऑफ द गन। क्लियर हुआ बेटे कुछ अपने रोल नंबर 11? यस सर। बेटे आप 11 रोल नंबर, आपका नाम मुझे लेना बड़ा औखा लगता है, आपका नाम औखा सा लगता है, बताइए योर गुड नेम। 11 रोल नंबर बेटा, रोल नंबर 11, आई थिंक आप म्यूट हो गए हो। सर धीरेन महाजन। धीरेन, ओके बेटा। 11 रोल नंबर बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। ओके बेटे, चलिए बेटे ये समझ आ गया सबको। अब एक क्वेश्चन भी बेटे आप नोट कर लीजिए, जो आपको पूछा जाता है, आपको कहा जाता है कि वाई द सोल्जर्स, लिख लीजिएगा, यही जवाब आएगा आपका सारा क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्लेन वाई द सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू होल्ड द गन tightly with their shoulders with it. ये exactly आपका recoil of the gun का बेटा concept है। हाँ जी बेटे, फिर मैं भूल गया 11 रोल नंबर बेटा, आपने हैंड रेस किया है सर, पहले से रेस और सर धीरे। लवलीना कुछ कहना चाहती है, बोलिए पुत्र लवलीना। सर इस क्वेश्चन में हमने मास वाला कांसेप्ट भी लिखना है, ये वाला बेटे पूरा, ये जो किया ही है मास वाला कांसेप्ट डेफिनेटली लिखोगे कि जब हम अपनी बॉडी के साथ टाइटली होल्ड करेंगे द पर्सन एंड द गन दैट विल बिकम वन सिस्टम। मैं एक लाइन लिख देता हूँ, जब आप टाइटली होल्ड करोगे द पर्सन एंड द गन becomes one system, उससे क्या होता है, capital M becomes very large। अगर capital M बहुत large हो जाएगा तो recoil velocity will become less बेटे। समझ आ गई बेटे बात सारे बच्चों को? Yes बेटे, dear all। धीरेन सॉरी दिया कुछ कहना चाहती है, दिया बोलो पुत्र। दिया सर आई वांटेड टू आस्क के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। आपका जो थर्ड लॉ है और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये इंटर रिलेटेड है। बेसिकली आपका जो थर्ड लॉ है
इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द योर आपका जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ एंड वाइस वर्सा आल्सो बेटा वो भी आप इससे okay, sir. दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं बेटा. यस बेटे दिया मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी राइट. कोई और पॉइंट आप लोगों का हो तो बेटे बताइए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर से. एनीबॉडी हैविंग एनी अदर पॉइंट बेटा. यस बेटे डियर ऑल सबको क्लियर है बेटा. चलिए बेटे इसके बाद फिर हमारा इसका डायरेक्टली एक्सरसाइज का बेटे कंसेप्ट रह जाता है तो एक्सरसाइज फिर आज मैं नहीं स्टार्ट करूंगा बिकॉज हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो ही रहा है. आपको कोई बात बतानी है तो बताइए अदरवाइज वी विल बिगिन विद द एक्सरसाइज टुमारो ऑनवर्ड्स. ठीक है बेटे सारा बाकी काम ओके बेटा दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू बेटे ऑल.